मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं वर्कला में। मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वर्कला एंड मुनरो आइलैंड और आपको दिखाऊंगा बीच के साथ बैक वाटर का कॉम्बिनेशन और जो कि बिल्कुल अलग होगा और बिल्कुल वो केरला वाला फील आएगा क्योंकि हूं मैं केरला में। और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ के बारे में, कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं और डिफरेंट ऑफ बीट लोकेशंस देखने को मिलेगी। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए वर्कला एंड मुनरो आइलैंड। वर्कला जो कि साउथ इंडिया के केरला स्टेट में पड़ता है और नियर बाय सिटी तिरुवनंतपुरम से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तिरुवनंतपुरम से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस और ट्रेन से आप मात्र 100 रुपए में वर्कला पहुँच जाएंगे। नियर बाय एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम और कोच्चि है। अपने रिजॉर्ट के पास में ही मार्केट है यहाँ की वर्कला की और ये अपर लेवल की मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कपड़े अच्छे अच्छे मिल रहे हैं और रेट्स भी जेन्यून हैं और बाकी जितने भी हैं यहाँ पर ज़्यादातर आपको कैफे वगैरह दिखेंगे और वाइब्स फॉरेन वाली आएगी। तो ये है वर्कला और यहाँ की छोटी सी यहाँ वाली मार्केट। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ डेवलप हो रही है और आने वाले टाइम में भाई साहब यहाँ पर भीड़ होगी लोगों की, आप देखना, क्योंकि ये है, डिजर्व करती है ये प्लेस और बहुत अच्छे से इसे डेवलप भी किया जा रहा है। वर्कला की मार्केट में आपको सबसे ज्यादा सी फूड देखने को मिलेगा और यहाँ के मेन्यू में आपको नॉन वेज और वेज का कॉम्बिनेशन ही मिलता है जिसके प्राइस भी काफी ज्यादा लगेंगे। 20 रुपए का मैंने लिया है यहाँ पर मूंगफली बीच के पास में, वेजिटेरियन ऑप्शन एक था पर उसमें भी एग इंक्लूड था बता नहीं पता। इवनिंग का टाइम हो चुका है और सनसेट आपके सामने है, बहुत प्यारा सा वेदर है, बादल सामने आपको दिख रहे होंगे, सनसेट हो रहा है, बाकी बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आपके आंखों के सामने हैं। बहुत प्यारी सी प्लेस है यहाँ पर, पूरा पॉइंट बनाया गया है, सनसेट व्यू पॉइंट है, ये पार्किंग का एरिया है, यहाँ पर आराम से कार पार्क करें, कार के ऊपर ही बैठ जाए चाहे तो, और यहाँ पर इस व्यू को एंजॉय करें, फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर खूब सारी क्लिक करवा सकते हैं। तो बहुत प्यारी सी ये प्लेस है और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह के ज़्यादा ऑप्शन इस जगह पे नहीं मिलेंगे, इस जगह पे 2-4 ही मुझे दिख रहे हैं, बाकी जो अपर लेन है वहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, कई सारे रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे जाकर आप कुछ खाना पीना कर सकते हैं और कैफ़े वगैरह है तो बियर वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी हैं। वर्कला में आप अगर मेरा यहाँ का रिजॉर्ट देख लोगे तो यार प्रसन्न हो जाओगे, बहुत ही सुंदर सा है ये पूरा, यहाँ पे व्यू आप देखो ये पूरा, और ये रेस्टोरेंट है इधर जो कि एकदम यहाँ पे व्यू है सामने समंदर का और ये रहा मेरा यहाँ का रिजॉर्ट। तो चलते हैं इसके अंदर, पहले देखते हैं यहाँ पर बैठने का है और देन रूम के अंदर आते हैं। डबल बेड रूम है और ये भारी भरकम सा एसी 2 टन का लगाया हुआ है पता नहीं क्यों, और ये रहा वॉशरूम। सो रूम में अंदर बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन इसका व्यू बहुत ही शानदार है और ये एकदम मतलब पूरा समंदर का व्यू दिखता है तो मन खुश हो जाता है। और मैंने ये हॉलीडे लाइफ टूर से ही बुक करवाया था सो पैकेज भी ये इंक्लूड था, तो आप भी अगर करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी व्यूज़ यहाँ के पूरे रिजॉर्ट के बहुत ही शानदार हैं, पूरी ग्रीनरी है, फ़ोटोज़ वगैरह खूब सारे क्लिक करवा सकते हो, अलग अलग कैटेगरी के रूम हैं और प्राइसेस भी सब तरह की है, मतलब बजटेड रूम भी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैटेगरी के भी रूम्स हैं, विला है, सब है यहाँ पर, तो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है, अगर आप आना चाहते हो, बुक करवाना चाहते हो, यहाँ पर रहना चाहते हो, लोकेशन बहुत अच्छी है, बुक करवा सकते हो। इस रिजॉर्ट से ही आप आराम से पैदल ही वर्कला की मार्केट में जा सकते हैं और वर्कला बीच का व्यू दूर से देख सकते हैं।
रिजॉर्ट में मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी है और ब्रेकफास्ट जो है वो पूरा एकदम जो वेस्टर्न वाला होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। और इसके साथ ऐसा व्यू सामने आपको दिखेगा कि लगेगा कि भाई कहीं फॉरेन में आप बैठे हुए हो, पक्का वही वाली फील आएगी। मैं मतलब कई जगह गया हूँ तो कुछ ऐसा ही फील होता है, वो मुझे आ रहा है यहाँ पे, वाइब सारी है फॉरेन वाली। और जो समंदर है वो नीला नीला सा है और साथ ही ब्रेकफास्ट जो है वेस्टर्न सा है, सो लगता है कि जो पेट में जो चीज़ें भी जाती है ना तो वैसे ही वाइब्स आती है और खूबसूरत बहुत है। ऐसा तो बहुत ही अमेजिंग ये ट्रिप अब तक रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है हर जगह पे। और वर्कला तो लगता है कि भाई गोवा आप छोड़ो, लगता है थाईलैंड बन जाएगा कुछ समय में। वर्कला में रुकने का असली मज़ा रिजॉर्ट में और यहाँ बस बीच पर चिल करने में है। वर्कला के बीच में मैं आ चुका हूँ और इस बीच पे आपको बहुत प्यारी प्यारी सी हवा लगेगी, धूप अभी निकली हुई है और दोपहर का टाइम है। और ये आप देखोगे यहाँ का बीच बहुत ही क्लीन सा बीच है। और एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर अलाउ नहीं है अभी, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, मानसून का सीज़न है। और यहाँ पर आपको जो ये देख रहे होंगे बैरिकेडिंग लगा दिया है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि खतरा होता है इस टाइम, इस वजह से। बाकी बीच बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी फोटोज़ आएगी। थोड़ा हम लोग धूप में आए इसलिए थोड़ा धूप ज़्यादा लग रही है, लेकिन बादल आ जाएगा तो प्यारा लगेगा। ये पूरी तैयारी के साथ आई है। तो बहुत दिनों बाद नारियल पानी मिला है क्योंकि मिल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, यहाँ पे अभी सीज़न वैसा नहीं है। हालांकि मिल जाता है ढूंढने से, ऐसा नहीं है। और यहाँ बीच पे, वर्कला बीच पे अभी लिया हूँ। और ये रहा 50 रुपीज का ऑरेंज कलर वाला। हाँ यार, ऑरेंज पहली बार देखा। ये पपाया जैसा दिख रहा है मेरे को, तो दूर से लगा था। ठीक है, कैसा लग रहा है बताओ? पहली सबसे पहली बात है कि पानी ऊपर तक है और मलाई भी इसमें दिख रही है। 50 रुपीज का है वैसे, ये मेरा छोटा सा है थोड़ा। यहाँ मीठा है ये वाला, मीठा है ये वाला। लेकिन यहाँ एक ही बीच नहीं है और हमने ऐसा बीच भी ढूंढ लिया जहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं थी। वर्कला बीच में आप लिमिटेड हो जाते हैं, लिमिटेशंस में रहते हैं। लेकिन जब आप आते हैं यहाँ के कपिला बीच पर तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आराम से जाओ। लेकिन थोड़ा सेफ्टी आप ध्यान रखना, बहुत तेज वेव्स हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बिटवीन करके आप लोग मेंटेन करके आप थोड़ा आराम से घूम सकते हैं। और पानी की आप तो क्लीन देखिए, कितना क्लीन है यहाँ पर। पानी ऐसे ही इकट्ठे होते होते उधर पीछे बैक वाटर पूरा क्रिएट हो गया है और वहाँ लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्त बैठे हैं पेड़ों की छाँव में। बहुत प्यारी प्लेस है ये। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि कोई है ही नहीं, बिल्कुल शांत है। लोग वर्कला बीच चले जाते हैं, वहाँ ये कपिला बीच नहीं आते हैं। और भी यहाँ पर कई बीचेस हैं जो कि अननोन है, अनएक्सप्लोर्ड है, और आप एक्सप्लोर करो। और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि और कौन कौन से यहाँ पे बीच है जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता हो और कितने अच्छे हैं। तो ये आप देखो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल फील आएगा कि आप मतलब किसी फॉरेन लोकेशन पे हैं हर बार जहाँ भी आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर कुछ टेम्पल्स भी हैं जहाँ आप जा सकते हैं। और यहाँ से अब मैं आगे जाने वाला था मुनरो आइलैंड के लिए, जो कि 50 किलोमीटर की ही दूरी पर था। एलेप्पी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑफबीट सी प्लेस पड़ती है और वो है मुनरो आइलैंड। तो चल रहे हैं उसी की तरफ और देखते हैं कैसी है ये प्लेस और कितनी खूबसूरत है, पहुँचते हैं। केरला में वर्कला के आसपास में थकड़ी भी पड़ता है जहाँ कुछ रेयर एनिमल्स हैं जो समय के साथ खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। और इसकी वजह मुझे पता चली कुकू FM की एक ऑडियो बुक 10 रेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स सून टू एक्सटेंट है। और इस ऑडियो बुक को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM से, जिसे 10 मिलियन प्लस लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं और जिसकी 4.5 प्लस रेटिंग है। और क्योंकि इस पर 10,000 प्लस ऑडियो कॉन्टेंट अवेलेबल है जिसे आप हिंदी, इंग्लिश और अपने रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ है, लेकिन मेरा कूपन कोड BETW50 यूज करके आप 50% डिस्काउंट में क्लेम कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें कुको FM और एंजॉय करें ऑडियो बुक्स। वर्कला में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जनार्दन स्वामी मंदिर, जिसको बोलते हैं दक्षिण काशी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और ये वो टेम्पल है, आपको लगभग 50-60 सीढ़ियाँ चल के ऊपर तक जाना पड़ेगा और मंदिर ऊपर है।
अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और प्रॉपर इसके लिए आपको लुंगी वगैरह पहन के जाना पड़ेगा, जो कि बाहर 60-70-50 रुपये तक में मिल जाता है। और बाकी अभी अंदर अलाउ भी नहीं है, मतलब अंदर कुछ पूजा वूजा चल रही है तो इस वजह से अभी जा भी नहीं सकते। तो मंदिर बाकी अंदर थोड़ा सा मैंने देखा है पिक्चर्स वगैरह और अच्छा लगा है, तो आप जा सकते हैं अगर आप जिस टाइम में आएंगे तो। और आसपास में यहाँ पर छोटी सी लेक भी, ऐसे भी तालाब दिखेगा, लेक क्या बोलूँ, और एक छोटा सा ये मंदिर भी है यहाँ पर, सो ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आप एलेप्पी आए हैं तो भी वहाँ से मुनरो आइलैंड 50 किलोमीटर है, और ये प्लेस जानी जाती है अपने कैनोई टूर के लिए। अब मैं आ चुका हूँ मुनरो आइलैंड पर, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कैनोल टूर, जिसको ये कैनोई टूर भी बोलते हैं। और कैनाल में ये बोट चलती है जिसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको कवर करते हैं। सो इसके जो चार्जेस होते हैं वैसे तो 500 रुपीज़ पर आवर होते हैं, और इस पे चाहे तो 2 लोग बैठे, 1 लोग बैठे, चाहे 9 लोग, मैक्सिमम 9 बैठ सकते हैं, तो 9 भी बैठेंगे तब भी उतना ही चार्ज होगा। और साथ ही साथ सीज़न के अकॉर्डिंग बढ़ता भी है रेट, 600-700 भी तक जाता है, डिपेंड करता है। लेकिन अब मैं पैकेज के थ्रू आया हूँ और इसी को प्रेफर कर रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि लोकल्स यहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझते हैं, सो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो पैकेज के थ्रू आएँ, ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ तक पहुँचना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि बहुत लोग जानते ही नहीं है। तो मुनरो आइलैंड एक नया ऑफबीट प्लेस है और नया एक्सपीरियंस आपके लिए मिलेगा। और इसके आसपास में और भी कुछ आइलैंड्स हैं, ऑनरो आइलैंड्स भी हैं, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मुनरो में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो आ गए हैं बोट में, हमेशा 2 लोग रहे तो बीच में खड़े रहे, बैलेंस बना के मेंटेन करके खुद के। तो जो ये टूर होगा क्लॉक वाइज होगा, ओके, तो घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग चलते हैं। कैनोई टूर में आपको असली केरला दिखाई देगा, जहां ना हिंदी जानने वाले लोग होंगे और ना नॉर्थ इंडियन फूड, और इसलिए यहां पर आपको रियल केरला की फीलिंग आएगी। तो ये रहा हमारा, अभी सफर चल रहा है कैनाल का, और कैनोई भी जिसे बोलते हैं, मतलब बिल्कुल ही आपके लिए ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा जो आप अपने घर में जाकर अपने लोगों को बताओगे कि भाई वहाँ पे ज़रूर जाना, मज़ा आएगा, क्योंकि ये है ही जगह ऐसी। और एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑफबीट होगा, बिल्कुल शांत लोकेशन है, ना वो भीड़ भाड़ और मतलब वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अभी यहाँ पे आए नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, तो बिल्कुल ही शांत प्लेस है, भीड़ भाड़ नहीं है, और बस इन वादियों में वादियाँ नहीं है यहाँ पे। ये कैनाल वाला टूर है, ये अलग है थोड़ा सा। इसका नामकरण कभी आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि इसको क्या बोलेंगे, यहाँ के आसपास की सराउंडिंग्स को। सो इसको बस आप फील करेंगे, और सस्ता सा टूर है, खास बात ये भी है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता सा है, जेन्यून प्राइस है, और मज़ा भी आता है, अच्छी अच्छी हवा लगती है, बढ़िया फ़ोटोज़ आते हैं आपके, फ़ोटोज़ इतने अच्छे आएंगे यहाँ पे, इतनी बढ़िया बढ़िया कि दिल खुश हो जाएगा, और घर वालों को दिखाओगे और जिसको जलाना चाहते हो उसको जला भी सकते हो। तो ये है यहाँ का कैनोई टूर, इसको ज़रूर करें। इस 2 घंटे के टूर में मुझे कई जगहों पर पिक्चर्स क्लिक करवाने को मिला, और बोट से उतर कर डूबे हुए आइलैंड में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिला। इस ट्रिप पर अगर आप आए तो आप कैप्री या हाफ पैंट पहन के आए, क्योंकि आपको पानी के अंदर भी जाने को मिलेगा। ये डूब चुका है और समय के साथ धीरे 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 पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते डूबता चला जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो जल्दी से घूम लो यहाँ पे आकर और फोटो खिंचवाओ ढेर सारी, मजा आएगा बहुत ज्यादा वाला। सो केरला का सीज़न 1 आपने देख लिया होगा, और इस सीज़न 1 में मैंने कवर किया है मुन्नार 2 नाइट, एलेप्पी 1 नाइट, एंड इसके साथ वर्कला एंड मुनरो आइलैंड। जो पहला जो मैंने आपको बताया है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा और थोड़ा पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। केरला का जो फर्स्ट पार्ट मुन्नार एंड एलेप्पी, ये दोनों कवर किया है, और साथ ही साथ एलेप्पी में हाउस बोट भी कवर किया और कोच्चि का थोड़ा साइट सीन किया। तो ये सब कवर करने में 18,500 पर पर्सन लगा है, और ये मैंने किया हॉलीडे लाइफ टूर्स के थ्रू, और पूरा पैकेज था। हालांकि रेट ऊपर नीचे होते हैं समय के साथ।
तो ये हो गया पैकेज की बात। इसके अलावा मैंने इसमें कस्टमाइज भी कराया और वर्कला और मुनरो आइलैंड को भी ऐड करवाया, जो आप भी ऐड कर सकते हैं। तो वो शायद आपका 23-25 हज़ार या और भी थोड़ा सा बढ़े रेट, सो उसको आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब बात करें केवल वर्कला की और यहाँ मुनरो आइलैंड वगैरह आप घूमते हैं, तो वर्कला में आपको होटल तो बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2,000-2,500 में। हालांकि मैंने जो लिया था वहाँ का लगभग 3,000-3,500 रुपये ब्रेकफास्ट के साथ में पूरा मेरा रिजॉर्ट था। इसके अलावा मील्स अलग से आप खर्च करते हैं तो 1,000 रुपये एक पर्सन पे खर्च होंगे। और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च की बात की जाए तो यहाँ पर आप लगभग 2,000 में आराम से घूम सकते हैं। तो लगभग होटल का काउंट कर लेते हैं एक पर्सन पे 1,500 और ट्रांसपोर्टेशन में भी दो लोग बैठेंगे कार में तो एक पे 1,500 काउंट कर लेते हैं या 1,000 रुपये भी काउंट कर सकते हैं। तो आपका लगभग 2,500-3,000 ये खर्चा हो गया। फूड आप 1,000 और ऐड कर ले तो लगभग 3,500-4,000 एक पर्सन पे खर्चा आएगा। और मतलब 7-8 हज़ार में अगर आप कपल हैं तो घूम सकते हैं यहाँ पर, बाकी यहाँ तक पहुँचने का खर्चा आपका अलग होगा। तो ये हो गया वर्कला का। इसके अलावा आप मुनरो आइलैंड को भी ऐड करते हैं तो वहाँ तक जाने का भी आप मान के चलिए कि आपका एक दिन की पूरी डे ट्रिप हो जाएगी। और यहाँ से आप जाते हैं जटायू के लिए, जटायू टेंपल के लिए, तो उसके लिए भी तो वो लगभग आपका 3,000-4,000 रुपये और बढ़ेगा। साथ ही आप वहाँ पे मैंग्रोव पूरा वो करते हैं जो आइलैंड का टूर करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है नहीं, 500-600 में हो जाएगा। तो ये पूरा प्लान रहेगा आपका। और वर्कला के लिए 2 दिन आप रखें या 3 दिन भी रख सकते हैं यहाँ के लिए, क्योंकि रिलैक्स करने के लिए ये जगह है और बीच पे बस बैठें, एंजॉय करें, नेचर का व्यू लें। बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं मिलेंगी यहाँ पे, जो भी है आउटडोर में है। और यहाँ पे आपको बीचेस मिलेंगे या थोड़े टेम्पल मिलेंगे, दैट्स इट। सो बैकवाटर का टूर कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है वाटर स्पोर्ट्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके समय समय पे अलग अलग खर्चे हैं, हालांकि वो आपके 1,000 के भी होते हैं, 500 के भी होते हैं, 1,500 के भी होते हैं। अभी कोई भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि मानसून का सीज़न है, तो इस टाइम आएंगे तो वाटर स्पोर्ट्स का ध्यान रखिए कि वाटर स्पोर्ट्स आपको इस टाइम में नहीं मिलेगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे ओवरऑल क्या खर्चा यहाँ पर होगा आपका, और आप प्लान कर सकते हैं। और केरला की जो पूरी सीरीज़ है इसको प्रॉपर आप देख ले तो अच्छे से आपको पूरी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक एक प्लेस पे जाना चाहते हैं तब भी, और पूरा कंप्लीट टूर करना चाहते हैं तब भी, कंप्लीट टूर के लिए पैकेज लें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे कहीं भी कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी। बस आराम से जहाँ जाना था कार से पहुँच गया, साथ ही गाइडेंस मिलती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है, सेफ्टी होती है, और बाकी आराम से घूम सकते हैं चिल करते हुए। और यहाँ पे आए तो चिल करें। सो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी। और कोई डिटेल में इन्फॉर्मेशन केरला या किसी भी प्लेस की आपको चाहिए तो आप ट्रैवल गाइडेंस फीस ओनली 99 रुपीज़ देकर, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी थी, थैंक यू फ्रेंड्स।